नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी यहाँ पेश हैं 23 सितंबर की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें कि CBSE ने दी राहत, कोरोना की वजह से माता पिता को खोने वाले छात्र छात्राओं को नहीं देना पड़ेगा शुल्क। सबसे बड़ी और अहम खबर है, आपको बता दें कि CBSE ने स्कूलों से उन छात्रों से बोर्ड परीक्षा शुल्क नहीं लेने को कहा है जिन्होंने COVID-19 की महामारी के दौरान अपने माता पिता को खो दिया है। इस महामारी के कारण कई व्यवसाय और नौकरियां भी गई हैं। इसी वजह से माता पिता और छात्रों की ओर से लगातार परीक्षा शुल्क में छूट देने की भी मांग की जा रही थी और CBSE ने राहत भी दे दी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि बोर्ड का दावा 22 लाख अभ्यर्थी 4000 परीक्षा केंद्रों तक जाने का रास्ता गूगल मैप पर देख सकेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अगर इंटरनेट बंद किया तो कैसे देख पाएंगे। नीट परीक्षा में सरकार पूरी तरह फेल होते हुए दिख रही है। आपको बता दें कि पहला अभ्यर्थियों को 800 किलोमीटर तक दूर दूर एग्जाम सेंटर दे दिए, वहीं दूसरा प्रदेश के 4000 परीक्षा केंद्रों को गूगल मैप पर अपलोड किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का दावा है कि प्रदेश के 22 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, इसीलिए पहली बार ही सभी केंद्र गूगल मैप पर अपलोड किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि रीट एग्जाम के दिन पूरे प्रदेश में इंटरनेट बंद करने की तैयारी है, तो ऐसे में गूगल मैप के जरिए अभ्यर्थी सेंटर तक कैसे पहुंच पाएंगे। सौ कहने वाला यह है कि बोर्ड बुधवार को देर रात तक परीक्षा केंद्र गूगल मैप पर अपलोड करने की तैयारी में जुटा रहा है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि नशे का नया रूट, पशुओं के सारे में सिपा मिला 458 किलो गांजा, कीमत करीब 1 करोड़ रुपए। सबसे बड़ी और अहम खबर है, आपको बता दें कि उड़ीसा से वाया भरतपुर टू जयपुर सीकर नारकोटिक्स और DRI ने बड़ी खेप पकड़ी है। भरतपुर अब नशे की तस्करी के नए रूट के तौर पर उभर रहा है। आपको बता दें कि उड़ीसा से यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक गांजे, अवैध शराब और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है। इसी माल की आपको बता दें कि 1 करोड़ रुपए की आंकी जारी है, जो माल एक पशुओं के बाड़े में मिला है, ये बड़ी खेप मिली है। प्रदेश की अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक, कैबिनेट का बड़ा फैसला, मंत्री 4 अक्टूबर को अपनी विधानसभा और 5 से 7 अक्टूबर तक अपने परिवार वाले जिलों में करेंगे दौरा। सबसे बड़ी और अहम खबर है, आपको बता दें कि CM अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आमजन को राहत देने के लिए पर्यटन, राजस्व, किसान कल्याण, उच्च शिक्षा के साथ ही विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश की अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि बड़ी खबर, पिछली 2 कक्षाओं का कॉस्ट भी पढ़ाएंगे शिक्षक, शिक्षा विभाग ने तैयार किया 3 माह का प्लान। प्रदेश के स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने 3 महीने का प्लान जारी कर दिया है। आपको बता दें कि NCERT की ओर से 12 नवंबर को होने वाले NS से पहले प्रदेश के स्कूलों में विशेष परीक्षा कराई जाएगी, हालांकि इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। सर्वे में प्रदेश देश भर में अव्वल रैंकिंग पर आ सके, इसके लिए प्रश्न बैंक को NCERT ने तैयार कर दिया है। इसकी कॉपी वेबसाइट पर है। सभी कक्षाओं में अगले महीने टेस्ट भी लिया जाएगा, जिसे शाला दर्पण पर अपडेट करना होगा। आपको बता दें कि महामारी के दौर में बड़े लर्निंग गैप को कम करने के लिए कक्षा 3 से 8 तक की अंग्रेजी, हिंदी और गणित की वर्कबुक तैयार कर ली गई है। पहली और दूसरी कक्षा के लिए ए ग्रेड वर्कबुक तैयार की गई है और वर्कबुक में पिछली कक्षा से जुड़ी सामग्री है, यानी जो पिछली कक्षा में जो पढ़ाई है उस वर्कबुक में शामिल है। आपको बता दें कि मौजूदा कक्षा के साथ ही पिछली 2 कक्षाओं की पढ़ाई भी करवाई जाएगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान मौसम अलर्ट को लेकर बड़ी खबर, आपको बता दें कि राजस्थान के 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज पूरी और पश्चिमी राजस्थान के कुल 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है, इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, जोधपुर और बाड़मेर के कुछ इलाकों में मेघ गर्जना और आकाशीय बिजली के साथ ही जोरदार बारिश की आशंका जाहिर की गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि बड़ी खबर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में गहलोत कैबिनेट की बुधवार को अहम बैठक हुई थी। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में आमजन को राहत देने के लिए पर्यटन, राजस्व, किसान कल्याण और उच्च शिक्षा के साथ ही विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। खास तौर से बैठक में 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान पर चर्चाएं की गई। आपको बता दें कि बैठक में निर्णय लिए गए हैं कि 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सभी मंत्री उपस्थित रहेंगे। वहीं 4 अक्टूबर को सभी मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, जबकि 5, 6 और 7 अक्टूबर को अपने परिवार वाले जिलों में आयोजित हो रहे ब्लॉक स्तरीय शिविरों का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, कृषक कल्याण कोष के लिए आपको बता दें कि 500 करोड़ का अतिरिक्त दीर्घकालिक ऋण लिया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया से 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त
दीर्घकालिक ऋण लेने की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं आपको बता दें कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आश्रितों को दायरा बढ़ाया, कोई आश्रित नहीं होने की स्थिति में विवाहित पुत्री को मिल सकेगी अनुकंपा योजना की नियुक्ति। विभिन्न सेवा एवं पेंशन नियम में संशोधन की मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश की अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि सरस घी 10 रुपए महंगा, 1 लीटर का पैक अब 430 के बजाय 440 रुपए में मिलेगा, बढ़ी हुई दरें आज से लागू हो जाएगी। प्रदेश की अगली बड़ी लेटेस्ट खबर की बात करें तो आपको बता दें कि 2 महीने पहले बना था हिस्ट्री सीजर की हत्या का प्लान। सबसे बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को हिस्ट्री सीजर अजय यादव की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि इसका जो प्लान है वो 2 महीने पहले बन चुका है। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज से हथियारों की तलाश भी जारी है। ये थी प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहिए आपके और अपने चैनल 10 सुगम के साथ।